नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के बारे में, जो कि है खास करके सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, 20 श्रेणियों की भर्ती के बदलेंगे नियम, आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन का ये है। और यहाँ पे देखिए अमर उजाला की न्यूज़ है अखबार की, जो कि 16 तारीख को, आज की 17 तारीख को ये न्यूज़पेपर में की हेडलाइंस भी बनी होगी थी। तो यहाँ पे देखिए, जो कि डिप्लोमा और डिग्री का चक्कर हमेशा पड़ा रहता था, अभी भी उसमें कुछ पता नहीं लग रहा है, उसके रिगार्डिंग ये सबसे मेन यहाँ पे न्यूज़ है। देखिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न 20 विभिन्न श्रेणियों के पद पर भर्ती के नियम बदले जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, देखिए जो कि है छंटनी, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रदेश सरकारी चयन आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मिलेगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे जो कि डिग्री और डिप्लोमा के बारे में इन्होंने नीचे यहाँ पर बताया है, ताकि एक ही श्रेणी में भर्ती के लिए चयन आयोग को अलग अलग आवेदन की छंटनी परीक्षाओं, टाइपिंग व शॉर्ट हैंड समेत मूल्यांकन परीक्षाओं की आवश्यकता न पड़े। कॉमन भर्ती नियम बनने से समय और पैसे की बचत होगी, जो कि इन्होंने बताया है। और अभी देखिए, बोर्ड और निगमों की अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी में अलग अलग एक ही श्रेणी के लिए अलग अलग जो कि योग्यताएं मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन, जो कि आपको पता ही है, जैसे डिग्री डिप्लोमा हो गया, 10th और +2 हो गया, और जो कि 3rd और 4th क्लास की भर्ती होती है जो कि स्टाफ सिलेक्शन करता है मेनली। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए इन श्रेणियों के लिए अलग अलग भर्ती नियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी विभाग, बिजली बोर्ड, स्कूल बोर्ड, सरकारी बैंक, राज्य निगम। तो यहाँ पर देखिए हिमुडा, APMC, वन विभाग, विश्वविद्यालय, HRTC में JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल, JEE मैकेनिकल, कंप्यूटराइज प्रोग्रामर, स्टेनोटाइपिस्ट। तो यहाँ पे देखिए टोटल 20 विभाग है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक ही श्रेणी के पदों भर्ती के लिए कुछ बोर्ड, निगम और विभागों में JEE के पदों के लिए डिग्री, तो कुछ के लिए डिप्लोमा मांगा जाता। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, कुछ के लिए डिग्री मांगी जाती है, कुछ के लिए डिप्लोमा। जैसे आपको पता ही होगा, हाल ही में 688 जो कि इन्वायरमेंटल जूनियर इंजीनियर का था, वहाँ पर डिग्री मांगी गई थी, डिप्लोमा नहीं मांगा गया था। जो 695 आपको पता है, वहाँ पर डिप्लोमा लिखा गया था पर डिग्री का वहाँ पे जिक्र नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे डिग्री वालों को बाहर कर दिया गया। अभी जो कि आपको पता ही, HPPTCL जो कि हाइड्रो पावर में हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आई थी, जो कि 714 और 15 पोस्ट थी, वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया था 55% मार्क्स में, जो कि होना चाहिए, जो कि JEE इलेक्ट्रिकल और JEE सिविल में मांगा गया था, तो आपको पता ही होगा। तो उसमें भी देखिए, वहाँ पर डिप्लोमा लिखा गया था, कुछ में डिग्री मांगी जाती है, तो इसमें बदलाव किया जाएगा। अब वहाँ पर बाकायदा लिखा जाएगा कि इस सभी में, अगर यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया कि डिप्लोमा होगा, तो स्टाफ सिलेक्शन में इसके बाद अब डिग्री वालों के लिए कोई भी फिर वैकेंसी नहीं निकलेगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, अगर इस बार इन्होंने अगर भेजा होगा। अभी लेटर में इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने डिस्पैच किया है, उसको साइट पर अपलोड भी नहीं किया है कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, कि इन्होंने अब डिग्री रखा है वहाँ पर या डिप्लोमा रखा गया। अगर इन्होंने डिग्री रखा है तो डिग्री और डिप्लोमा बोथ भी हो सकता है, तो डिग्री वाले भी भर सकते हैं फ्यूचर में, जो भी वैकेंसी आएगी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। अगर इन्होंने डिप्लोमा रखा होगा तो डिग्री जिन्होंने की है, डिप्लोमा नहीं किया, वो हमेशा के लिए फिर बाहर हो जाएंगे, जो कि इन्होंने भर्ती नियम अभी चेंज किया हुआ है। तो आप इसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको इस जो कि आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपको इससे रिलेटेड मैं दे दूँगा, तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो इसी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।